नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी, और चलिए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। राजस्थान सरकार और पर्यटन विभाग की ओर से हर साल सुरण नगरी जैसलमेर में मरु महोत्सव की धूम है। अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव 2020 का आगाज 6 फरवरी से परमाणु नगरी पोखरण में हो चुका है। 6 से 9 फरवरी तक आयोजित होने वाले मेले में हजारों की तादाद में देशी और विदेशी पर्यटक भाग ले रहे हैं। पोखरण के मरु महोत्सव में सांस्कृतिक छटाओं के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं कोरोना वायरस फैलने के चलते चीन में MBBS की पढ़ाई कर रहे जालौर जिले के भीनमान और सांचौर क्षेत्र के करीब 50 छात्र हॉस्टल में कैद हो गए। कई छात्र तो दिसंबर में परीक्षा होने के बाद गांव लौट आए थे, जबकि 50 से ज्यादा छात्र अभी भी वहीं फंसे हुए हैं। हॉस्टल में कैद MBBS की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने बताया कि चीन में पूरे देश में अलर्ट जारी होने के बाद घरों में बाहर नहीं निकलने की चेतावनी तक दी गई। ऐसे में लोग जरूरत होने पर भी बाहर नहीं निकल रहे। राजस्थान में कोटा रोडवेज डिपो को 4 साल के लंबे इंतजार के बाद आज जयपुर में 8 नई रोडवेज बसें मिलेगी। ये बसें विभिन्न रूटों पर चलेगी। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हरी झंडी दिखाकर जयपुर से कोटा के लिए आज इन 8 नई बसों को रवाना करेंगे। उदयपुर वाटी में स्थानीय कस्बे में शुक्रवार को जी जन जागरूकता सेवा संस्था के तत्वाधान में विशाल रैली का आयोजन किया गया। जी जन जागरण सेवा संस्था के सचिव महेश महला ने बताया कि रैली का उद्देश्य यातायात सड़क सुरक्षा का संदेश देना है। रैली को उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में घुमचक्कर से शुरू हुआ, जो कि शाकंभरी गेट होते हुए उपखंड कार्यालय पर पहुंची। कुचामन सिटी के जिलिया कस्बे के सदर बाजार में युवाओं के सहयोग से शनिवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में आयोजनकर्ता युवाओं ने बताया कि गत दिनों में सड़क दुर्घटना में युवा बजरंग दल व सुनील गुजर आसपुर की मौत हो गई थी, जिनकी स्मृति में शनिवार को युवाओं के द्वारा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सिरोही के जवाल के समीपवर्ती मनोरा गांव में जिनेश्वर प्रभु श्री आदिनाथ भगवान मंदिर कर प्राण प्रतिष्ठा के तहत विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित हुए। कमेटी के अनुसार मेहंदी सांझी समेत कई धार्मिक कार्यक्रम पूरे हुए। यात्रा में बैंडबाजों की धुन पर युवक युवतियों ने खूब नाचे। यात्रा मंदिर परिसर से रवाना होकर गाँव में विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर परिसर जाकर विसर्जित हुई। मोदरन गांव में महादेव जी मंदिर के पास एक गौमाता का दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से बच्चा बीमार होने के कारण चल नहीं पा रहा था। तो वहीं गोरक्षक हिंदू युवा संगठन मोदरन के कार्यकर्ता गणपत सिंह राठौड़, जगमाल राजपुरोहित व अन्य द्वारा गोरक्षक दल जालौर से एम्बुलेंस सेवा के लिए सूचना देने पर गोरथ एम्बुलेंस को गोरक्षक दल जालौर ने भिजवाकर गोमाता को आदर्श गौशाला भिजवाया। टोंक जिले की पंचायत समिति पिपलू की ग्राम पंचायत बोरखंडी कला के नवनिर्वाचित सरपंच रामलाल मीणा ने आज पदभार ग्रहण किया, और पूर्व सरपंच छोटी देवी मीणा और विकास अधिकारी महावीर प्रसाद गुजर ने पदभार ग्रहण करवाया। इस मौके पर नवसर्जित वार्ड पंच व पूर्व वार्ड पंच ग्राम पंचायत के गणमान्य सदस्य महिला बुजुर्ग व सभी ग्रामवासी मौजूद रहे। आए हुए मेहमानों का साफ हवा माला पहनाकर स्वागत भी किया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बजरंग वार्ड में नेत्र शिविर आयोजित हुआ। पार्षद असु नेमा ने अनूठी पहल की। वहीं स्वर्गीय पुष्पा देवी व स्वर्गीय कुसुमबाई नेमा की स्मृति में शिविर आयोजित किया गया। नेत्र परीक्षण शिविर में देव श्री नेत्रालय के संस्थापक डॉक्टर पवन संस्थापक व उनके सहयोगियों की टीम ने नेत्र परीक्षण किया। 306 नेत्र पीड़ित लाभान्वित हुए। 76 मरीजों का ऑपरेशन देव श्री नेत्रालय जबलपुर में होगा।
झालावाड़ जिले के चौमाला कस्बे में सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर विश्वकर्मा समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें आसपास गांवों के समाज के लोगों ने भाग लिया। शोभा यात्रा राधा कृष्ण मंदिर से शुरू हुई, जो कि नगर के मुख्य मार्गों से गुजरी। शोभा यात्रा में भगवान विश्वकर्मा की झांकी शरीक थी। आगे आगे घुड़सवार ध्वज के लिए बैठा था। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया। फागी उपखंड के जाबड़ गांव में चल रही भागवत कथा के अंतर्गत कृष्ण रुक्मणी विवाह की जीवंत झांकी सजाई गई। भागवत कथा के छठे दिन कथावाचक हनुमान दास ने रुक्मणी विवाह प्रसंग की कथा का वाचन किया। कथा सुनकर श्रोता भाव विभोर हो गए। आचार्य ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर रुक्मणी ने मन ही मन में निश्चय किया कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर किसी को भी पति के रूप में वर्णन नहीं करेगी। भारत के सबसे बड़े संगीत महाकुंभ उदयपुर वर्ल्ड म्यूजियम फेस्टिवल का शुक्रवार को रंगारंग आगाज होगा। 3 दिन तक चलने वाले इस फेस्टिवल में स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ईरान, पुर्तगाल और भारत सहित दुनिया के 20 देशों के 150 से अधिक संगीत जो भाग लेंगे। वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के सभी आयोजन स्थलों पर भारत के मशहूर इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट और डिजाइनर सुमंत जयकृष्ण के निर्देशन में भव्य स्टेज तैयार किए गए। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में नशेड़ी बेटे ने लोही की रोड से हमला कर अपनी 50 वर्षीय मां की निर्मम हत्या कर दी। पहले तो आरोपी बेटे ने गला दबाकर मां को मारने की कोशिश की, फिर सिर में लोही की रोड से ताबड़तोड़ हमला कर मां को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल चुनावड़ के वार्ड नंबर 3 में रहने वाली 25 वर्षीय बेटा कृष्ण कुमार नशे वाली मेडिकेट दवाइयां खाने का आदी था। इसी क्रम में बीते गुरुवार को दोपहर में जब उसकी मां ने बेटे को नशा के लिए पैसे देने से मना कर दिया, तो उसने गुस्से में आकर इस वारदात को अंजाम दे दिया। अंडर 19 विश्व कप पर कब्जा जमाने के इरादे से भारतीय टीम रविवार को मैदान पर उतरेगी और सामने बांग्लादेश की चुनौती होगी। बांग्लादेश ने गुरुवार को मजबूत टीम न्यूजीलैंड को मात देकर फाइनल में प्रवेश कर लिया, जबकि भारत ने पाकिस्तान को 10 विकेट के अंतर से हराकर फाइनल का टिकट कटवाया था। चाइना के वुहान से लौटे भारतीयों को दिल्ली व हरियाणा के 2 अलग अलग कैंपों में रखा गया था। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण इन लोगों ने इन कैंपों में रखा गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि चीन से लौटे इन सभी 645 भारतीयों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। गुरुवार को आई जांच रिपोर्ट से पता चला कि ये सभी छात्र अन्य व्यक्ति कोरोना वायरस से पूरी तरह से सुरक्षित है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 6 फरवरी तक 1265 उड़ानों के 1,38,750 यात्रियों को कोरोना वायरस जांच की गई, लेकिन अब तक कोई नया मामला सामने नहीं आया। भारत में अभी तक सिर्फ केरल में ही कोरोना वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई है। फिलहाल गांव खबर शहर बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट व YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।